तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चे, इसको डाउट में लेके आते हैं। ये कहते हैं मंकी डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है भाई? डिसेंडिंग मतलब होता है वो नीचे आ रहा है। ये पेड़ है, ट्री है, और ट्री का ब्रांच है, और इससे जो मंकी है वो नीचे आ रहा है, ठीक है ना। दिस इज द मंकी, और ये मंकी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ऐसे ए एक्सलेशन से आ रहा है। तो अगर मैं मंकी पे लगने वाले फोर्स देखूंगा, ध्यान रखना, मंकी पे लगने वाले फोर्स देखूंगा, तो मंकी पे एम जी तो नीचे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और मंकी पे जो टेंशन है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो मंकी है ब्रांच को नीचे, ब्रांच पे नीचे फोर्स लगाया होगा टी, ठीक है। दैट्स वाई इस पे टेंशन ऊपर लगेगा। नहीं तो आपको ये पता है कि अगर कोई लिफ्ट नीचे डिसेंड हो रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे डिसेंड हो रही है, तो इफेक्टिव एक्सलेशन होता है जी माइनस ए, ठीक ना। ऐसे भी कर सकते हो। तो मंकी पे लगने वाला फोर्स जो होता है, मंकी पे लगने वाला फोर्स एम ए हो जाएगा। तो ये मंकी पे टेंशन ही लगेगा, मास और मंकी पे नेट एक्सलेशन, यहाँ से जी माइनस ए ऐसे भी लिख सकते हो, एम जी माइनस एम ए भी कैन ऑल्सो राइट। यानी तो यहाँ से लिख सकते हो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक ना, ये वाली चीज़। अब तुम यहाँ से देखोगे जो टेंशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एम ए माइनस एम जी। तो हमें चाहिए एक्सलेशन ए। अगर तुम देखोगे यहाँ से टी माइनस एम जी, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूँ मैं, तो ये जो इक्वेशन है एम जी माइनस टी होगा ना यार। तो यहाँ से तुम देखोगे, एक मिनट, तो यहाँ से देखोगे तो एम जी माइनस टी दैट इज एम ए। तो अब यहाँ से देखो एम जी की वैल्यू फिक्स है, एम जी क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, मान 100 न्यूटन है। और टेंशन की वैल्यू, अगर मंकी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है, टेंशन की वैल्यू बढ़ाता है, तो जो एक्सलेशन है ए की वैल्यू कम होगी यार, ठीक है ना, डिक्रीज होगी। तो ए की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये वाली चीज़, ये बात समझ में आ रहा है। तो जो मैक्सिमम, जब टेंशन मैक्सिमम होगा एम जी माइनस टी में, जब टेंशन मैक्सिमम होगा उस वक्त एम ए एक्सलेशन मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ हमें समझ में आ गई। तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, 75% ऑफ एम जी। तो 75% एम जी, 75/100, और ये आ जाएगा एम जी। तो एम जी मतलब ये आ जाएगा 3 mg/4, जो मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल है। तो एम जी माइनस 3 mg/4 यहाँ से, और एम ए मिनिमम। तो यहाँ से तुम देखोगे क्या एमएम खत्म हो गया, तो यहाँ से जो एक्सलेशन मिनिमम पॉसिबल है, समझ रहे हो, वो है एक्सलेशन दैट इज Z/4, ठीक है। अगर इस एक्सलेशन से आएगा तो टेंशन जो है 3 mg/4 ये वाला एग्जिस्ट करेगा, और अगर देखो इससे ज़्यादा टेंशन बढ़ाएगा तो एक्सलेशन जो है वो इससे मतलब फ्री फॉल भी हो सकता है, टूट जाएगा, और ये फ्री फॉल भी हो सकता है। फ्री फॉल कब होगा, जब एक्सलेशन जीरो होगा। एक्सलेशन जीरो कब होगा, जब टेंशन, इसमें जो टेंशन है वो एम जी के बराबर हो जाएगा, एम जी बढ़ रहा है ना। तो अगर टी एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, तो जब एक्सलेशन एम जी के बराबर होगा बढ़ के, जब बंदर ब्रांच पे एम जी के बराबर फोर्स लगाने लगेगा, उस वक्त एक्सलेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, ये वाली चीज़। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा दिया हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।